राजस्थान विधानसभा में दूसरे दिन भी भूत प्रेत के साए की रही चर्चा। विपक्ष ने कहा अंधविश्वास में जी रही सरकार। सत्ता पक्ष पर विपक्ष ने साधा निशाना। विधानसभा में किसानों की समस्याओं को लेकर हुआ हंगामा। आधे घंटे स्थगित रहा सदन। पूर्ण कर्ज माफी की मांग पर अड़ा विपक्ष। सवाई माधोपुर में गहराया पेयजल संकट। समस्या को लेकर सड़क पर उतरे लोग। गुस्साए लोगों ने सड़क मार्ग किया जाम। जलदाय विभाग के अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। जयपुर पुलिस ने दो ठगों को किया गिरफ्तार। नकली पुलिसकर्मी बनकर करते थे ठगी। किरायेदारों का सत्यापन नहीं करवाने वालों लोगों से ऐंठते थे पैसे। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हूं तिबुश्री भट्टाचार्य। विधानसभा में दूसरे दिन भी भूत प्रेत के साए की चर्चा रही। सदन के भीतर और बाहर भूत प्रेत का साया होने पर तर्क वितर्क भी किए जाने लगे हैं। इस दौरान सदन में शून्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सदन में भूत प्रेत की चर्चा चली है। 12 बजे के बाद भूत सक्रिय होते हैं। विधानसभा में भूत प्रेत होने के मामले पर पक्ष विपक्ष के सदस्य इस मामले पर फिर से चर्चा करते दिखे। विधानसभा अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि सदन में भूत है या नहीं इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि विधानसभा में विपक्ष द्वारा भूत प्रेत के साया होने की बात को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सवाल खड़े किए हैं। वही विपक्ष ने विज्ञान के युग में ऐसी बात करने को लेकर जवाब भी मांगा है। एक बार हमने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था, रात को यहीं सोए थे 2 दिन तक। मुझे तो लगा नहीं कोई सपने में भी कोई दिखाई दे। और ये तो दबुड़ आप भी देखते हो कितना आराम से अपना मन लगता है इसमें। आप भी सुबह से शाम तक रहते हैं। कोई बात वास्तु दोष की बात हो सकती है। शमशान पास में इस कारण से लोग कह देते हैं कि ये शमशान भूमि है, लेकिन शमशान भूमि तो पवित्र मानी जाती है। जहाँ आदमी मरता है वो स्थान दूसरा होता है और उसका दाह संस्कार। और दाह संस्कार का अर्थ है पंचभूत जो मनुष्य है उसके 5 तत्वों का विलीन होने का स्थान है। इस कारण से वो डर का स्थान हो नहीं सकता। ये तो हमारी कल्चर में भी ऐसा नहीं है। देखो मुख्य सचेतक जी को मुझे लगता है कि डर भूतों से नहीं लग रहा, जनता से लग रहा है। और उनको रात भर सपने आते होंगे जनता के कि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी कि आपने 5 साल के लिए हमने आपको स्पष्ट बहुत बड़ी मेजोरिटी दी थी उसमें आपने क्या किया। इसलिए वो लोग भूतों से नहीं व्यक्तियों से, जनता से, राजस्थान की जनता से उनको डर लग रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ क्योंकि मीडिया ने इतना बड़ा मामला आज समाचार पत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बहुत इसको सुर्खियों के अंदर आज ले रखा है। तो अरे यहाँ जो घटना घट रही है ये केवल मात्र ये MLA का काम करते रहे, इनकी आत्मा बढ़ती रहती है और ये बेचारे डर के मारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ कोई विधानसभा कुछ भी नहीं है, इनको इनकी भावनाएं गलत हो रही है। अकाली राम जी ने कहा ना भूत इस विधानसभा में, भूत कुछ भी नहीं है। पहले भी हम इसमें रहे, उससे पहले भी इसमें रहे, उससे पहले इसमें रहे, कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। अब की बार इन लोगों ने दुनिया की आत्मा को दुखाया है और वो आत्मा जो तरपती है ना वो इनके ऊपर जाके सीधा अटैक कर देती है। और कोई भूत भी है ये BJP वाले स्वयं अपने आप में सब लोग क्या है, शमशान भूमि में जो मर जाता है उसकी जान ही होती है वो मरता ही नहीं होता। जयपुर में विधानसभा में फिर से किसानों की समस्याओं को लेकर हंगामा हुआ। शून्यकाल के दौरान निर्दलीय विधायक राजकुमार शर्मा ने प्रदेश में ऋण माफी समेत अन्य समस्याओं को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते जनता भी परेशान हो रही है। किसानों की समस्याओं का मामला तूल पकड़ते ही विधायक राजकुमार शर्मा ने सदन के वेल में आकर धरने पर बैठने का ऐलान किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद आखिर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई। राजस्थान प्रदेश में लगभग 29 के लगभग किसानों के संगठन बने हुए हैं और जब जब भी ज्ञापन सरकार को मिले हैं हम लोगों ने पारदर्शितापूर्ण तरीके से 2-2 दिन तक उनके साथ बैठ के हम लोगों ने किए।
कर्जा माफी के सवाल पे जब किसान महासभा के प्रतिनिधियों के साथ में उनके नेताओं के साथ बात हुई थी, उसमें से मैं समझता हूं कि कर्जा माफी में 50,000 रुपये तक कर्जा माफ करने के लिए सिर्फ हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। सीपीएम के नेता आदरणीय अमराराम जी, कांग्रेस के नेता आदरणीय डोटासरा जी को भी हम लोगों ने उस कमेटी के अंतर्गत आमंत्रित किया था कि राज्यों में जो अध्ययन दल जा रहा उसके साथ आप भी जाएं, और हम लोगों ने लिखित में उनसे निवेदन किया था। लेकिन चूंकि इनका काम सिर्फ राजनीति करना है, किसानों को बरगलाना है, आज किसान जिस प्रकार का धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ राजस्थान प्रदेश में लगभग 70 लाख के लगभग किसान रहते हैं, अब कोई ना कोई संगठन लेके इस प्रकार धरने प्रदर्शन करता है। किसान सड़क पे बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, प्रदेश की जनता का आवागमन बाधित है, बीमार है, वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं जा रहा है, सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार के मंत्री जिस प्रकार से, गृह मंत्री जी बयान देने को तैयार नहीं है, जिस प्रकार सिंचाई मंत्री जी असंसदीय भाषा का प्रयोग करके सदन को बाधित कर रहे हैं, सरकार जानबूझ के किसानों के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, ये निकम्मी सरकार है। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को फिर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नियमित भुगतान का मामला गूंज उठा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक हीरालाल नागर ने इस मामले को लेकर सवाल उठाया। वही सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश भर में सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत नियमित पेंशन दे रही है। मेरा इस विषय में माननीय मंत्री जी से यही निवेदन था कि ये सारी प्रक्रिया सिंगल विंडो के तहत हो, जिसमें एक ही कार्यालय में ये सारा जो भी व्यक्ति आए, तो क्योंकि वो या तो विकलांग होगा या वो वृद्ध होगा अथवा वो विधवा होगी, तो ये ऐसे लोग होंगे जिनसे इतना परिश्रम, इतना प्रयास वो लोग नहीं कर सकते। हालांकि इसको प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारी पेंडिंग सिटी अभी भी वर्तमान में जो कार्यालयों में, नगर निगम में पड़ी हुई है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर और साथ ही जो 7 से लेकर 21 की जो वृद्धि की गई है, उसमें विकलांग और दिव्यांग श्रेणी में, उसमें भी एक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। विधानसभा बजट सत्र में भूतों के साय का विवाद जहां बढ़ता जा रहा है, वहीं राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अशोक चांदना ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और विधानसभा में बेवजह का तहलका मचा रखा है। अगर स्वाइन फ्लू और डेंगू आम आदमी को हो सकता है तो विधायक कोई विशेष नहीं है। आज राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस में 32 दिनों के लिए सदस्यता ओपन करी गई है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से होगी। अच्छा, जो विधानसभा में जो भूत प्रेत का जो साया बनाया हुआ है, क्या ये कहा जा रहा है कि हवन करवाना पड़ेगा, जो 200 विधायक है वो आपस में नहीं आ पा रहे हैं, उस वजह से, क्या कहना है उसका? देखिए, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये किसने कहा, क्या बवाल हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, थोड़ा बहुत बीमारियाँ हैं, एमएलए कोई विशेष व्यक्ति तो है नहीं, अगर आम आदमी को डेंगू हो सकता है तो एमएलए को भी हो सकता है, आम आदमी से उसके परिवार को। ये कंटेजियस डिजीज़ है जो एक दूसरे से फैलता है, सांस से, बात करने से, हाथ मिलाने से, तो कंटेजियस डिजीज़ है, दूसरों को भी हो सकता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, एक को हो गया उससे 5 को हो सकता है, और इसमें इतना तहलका मचाने की भी बात नहीं, इसका पूरा इलाज है, ढंग से अपना इलाज कराएं, और इसमें कोई भूत प्रेत वाली मुझे। गर्मी की दस्तक के साथ ही सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पेयजल संकट गहराता जा रहा है। नगर परिषद क्षेत्र की कई कॉलोनियों के नल महज पानी की जगह केवल हवा ही फेंक रहे हैं, जिसे लेकर खैरदा क्षेत्र की लवकुश कॉलोनी, बापूनगर और मोतीनगर वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए लोगों ने चौथ का बड़वारा रोड को जाम किया। पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया गया। जाम की सूचना के साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और जल्द ही पेयजल की समस्या को दूर करने की मांग की। उसका तो इस गर्मी के अंदर उनको नहीं, उस पर नहीं, बिल्कुल
नहीं मिलेगा अभी के स्थाई समाधान के लिए। स्थाई समाधान नहीं है, स्थाई समाधान तो टंकी है। पानी की बहुत समस्या यहाँ पे, जय मैडम को खुद ज्यादा सूचना दे दी, बार बार आते हैं, देख के चल जाते, कोई समस्या बताती नहीं। पिछले साल हमारे यहाँ पे ना पानी के लिए टैंकर लगवा देते, एक साल लगा रहा, जब उनको पता था कि पानी की समस्या, तो एक साल में तो समाधान होना चाहिए था ना कुछ ना कुछ। यहाँ बोरिंग है तो खराब पड़ी है, जो बोरिंग लग रही है वो अपने मालिक है, मालिक अपने बन के बैठे, एक बोरिंग है जिनसे बोरिंग के अंदर से पानी और महिलाओं को। सवाई माधोपुर के बौली उपखंड के हथडोली सरपंच रघुवर मीना की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बौली कस्बा बंद रखा। बंद के दौरान कस्बे के बाजार सुनसान नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान केवल आपातकालीन प्रतिष्ठानों को छोड़कर कस्बा संपूर्ण रूप से बंद रहा। मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कस्बा बंद रहा। राजधानी जयपुर के संधी कैंप थाने में कंप्यूटर को हैक कर बिटकॉइन की मांग करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में पीड़ित नपुलकित सोनी ने बताया है कि अज्ञात हैकर ने एक वायरस अटैक के जरिए पीड़ित के कंप्यूटर की फाइल्स इंक्रिप्ट की, जिसके बाद कंप्यूटर हैक करने वाले शख्स की तरफ से पीड़ित को एक मेल किया गया जिसमें बिटकॉइन की मांग की गई। मामले की शिकायत को लेकर पीड़ित संधी कैंप थाने पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट दी थी कि मेरा ऑफिस है सोनी अपने कम्प्लेक्स है उसके पास में, और पुलिस कंट्रोल का कहना है कि मैं वहाँ सीए चार्टेड का काम करता हूँ। मेरे कंप्यूटर में समय करीब शाम को 4 से 5 के बीच 19-2 को अचानक एक मैसेज आया कि आपकी पूरी फाइलें इनक्रिप्ट हो चुकी हैं, और यदि आप इनको पुनः चलाना चाहते हैं तो आपको इनको इनक्रिप्ट करने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट करना होगा, जिसके लिए कुछ हम फ्री फाइलें आपको पहले देंगे, वो आप देख लें और देख के आप बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं और वापस अपना इसको डिस्क्रिप्ट को इंक्रिप्ट करवा दें। राजस्थान में किसान आंदोलन की आग अब बढ़ने लगी है। संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर राज्य भर से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा किसान जयपुर से कूच के लिए निकले। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज किसान अपने खेती के औजार लेकर साथ निकले, जहां उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा टोल नाकों पर ही रोक दिया गया। इसे लेकर किसानों ने रोष जताते हुए सीकर जयपुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का 22 फरवरी का जो विधानसभा कूच था, घेराव था, सीकर जिला प्रशासन ने रामुकाबाद तिराये पर नेशनल हाईवे पे जाम करके हाईवे को किसानों को यहाँ रोक दिया। किसानों ने कल 10 बजे से लगातार अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा का घेराव यहीं शुरू किया। कल हजारों लोग यहाँ थे, आज सीकर जिले के गांव से हजारों संख्या में महिला पुरुष आएंगे और आज के दिन लाखों किसान यहाँ शिरकत करेंगे, और बाकी राजस्थान में आज के दिन जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, और कल पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा, और अपने जिले में सीकर जिले में कल चक्का जाम नहीं करके यहीं इस विधानसभा घेराव में रहेंगे। त्योहारों के नजदीक आते ही मार्केट में मिलावट का गोरख धंधा बढ़ जाता है, जिसके मद्देनजर जयपुर में होली पर्व पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री की पकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अब तक 4 से 5 खाद्य सामग्रियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को सचेत कर दिया है। वहीं चिकित्सा मंत्री कालेचरण सराफ ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण करवाकर खाद्य सामग्री के सैंपल्स लें। अलवर के खैरथल में मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान की जमकर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर में कई जगह कचरे के ढेर लगे हैं, ऐसे में स्वच्छता अभियान एक मजाक बनकर रह गया है। कस्बे के वार्ड 11 में स्थित राज कॉलोनी में कई वर्षों से नालियों की दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिससे सड़कों पर गंदा पानी भरा रहता है और आमजन और राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं गंदगी के चलते स्थानीय लोगों में बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। यहाँ बहुत ही गंदे पानी से परेशान है, सारी नालियों का पानी है वो हमारे घर के सामने आकर इकट्ठा होता है, जिससे हमें बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।
इसके लिए हम कई बार नगर पालिका को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए हमने 181 पर भी जयपुर में शिकायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा। हमने वहाँ नगर पालिका को अवगत कराया है, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने जब चुनाव लड़ा तो ये समस्या थी, पैरपुर में मैं चेयरमैन था, तब ये समस्या का मैंने निदान किया था, नाली मैंने बनवाई थी। अब वो नाली टूट गई, बोर्ड में जो चेयरमैन है उसको नैतिक दायित्व है कि उसको सही कराए। शुरू शुरू में फर्स्ट मीटिंग जब हुई तब माननीय विधायक महोदय से हमने चर्चा की कि दो तीन हमारी काफी समस्याएं हैं वार्ड की, हर वार्ड में। तो उन्होंने एक प्रस्ताव लिया, उसकी कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ, कि हम भेदभाव से काम नहीं करेंगे और सभी वार्डों में तीन तीन जो आवश्यक काम है वो लिखवा दीजिए। प्रकरण में बात यह है कि जो गंदा पानी भरा हुआ है वो गली के, जहाँ दो गलियाँ मिलती हैं उसके कॉर्नर का एक प्लॉट है, उसमें पानी भरा हुआ है। समस्या लगभग एक साल से है, तो एक डेढ़ साल में हमने दो बार नाली का निर्माण वहाँ पर करवाया। नाली जो कि है भाई सिंगल एट की होती है, तो कोई भी व्हीकल से या कोई भी पशु से वगैरह से या वार्डवासी जो भी हैं जो कि कोई बदमाशी करते हैं, तो दो तीन बार नालियों को। जयपुर के सांगानेर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर वाहन चोर जीताराम चौधरी को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। हालांकि बदमाश ने नाकाबंदी के दौरान भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। इसी बीच एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी से 5 बाइक भी जब्त कर ली गई है। जयपुर के महेश नगर इलाके में देर रात सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। घटना जैतपुरी कॉलोनी की है, जहां देर रात मकान में किराए में रहने वाले युवकों ने खाना बनाने के लिए माचिस से तीली जलाई तो अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। देखते देखते आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर आ गए। सूचना मिलने पर महेश नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिससे आहत होकर नाबालिग ने खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर अवस्था में पीड़िता को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी है। ये एक किशोरी है 16 साल की, मुरलीपुरा एरिया में घर पे अकेली थी। उसी समय उसके सामने फ्लैट में किराए से रहने वाला एक व्यक्ति है, वो उसके मकान में घुस गया, उसके साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास किया। इसी दौरान जो लड़की है उसका भाई और अपने दोस्तों के साथ घर पहुंच गया था, तो उन्होंने उसको युवक को कमरे से निकाल कर के वहीं पकड़ लिया मौके पर ही। उसकी आस पड़ोस के लोगों ने पिटाई भी कर दी। इसी दौरान जो वो लड़की है उसने घर पे जो चिमनी रखी हुई थी उस चिमनी में से केरोसिन अपने ऊपर डाल करके और आग लगा ली, जिसको हमने वहाँ SMS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, तुरंत अभी एडमिट है वो। कितनी झुलसी है वो युवती? 60% बर्न इंजरीज बता रहे हैं। 60% जी, इसका मतलब उसकी जान खतरे में? हाँ, सीरियस कंडीशन है। राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग नकली पुलिसकर्मी बनकर किरायेदारों का सत्यापन नहीं करवाने वाले लोगों को डरा धमका कर रुपए ऐंठते थे। दोनों ठग रिश्ते में पिता पुत्र हैं। पुलिस ने आरोपियों से दस्तावेज, चालान, डायरी और नेम प्लेट बरामद की है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी पिछले 2 साल से पुलिसकर्मी बनकर लोगों से वसूली कर रहे थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला शुरू हो गया है। मेले में राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता भंदेल और उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी पहुंची, जहां दोनों ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई स्टॉल्स का अवलोकन किया और महिलाओं को प्रोत्साहित किया। प्रदेश में गरीब मरीजों का इलाज करने वाले झोलाछाप चिकित्सकों पर लगाम नहीं कसने से इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद, कई जिलों में अवैध क्लिनिक संचालित, मरीजों की सेहत से हो रहा है खिलवाड़, झोला छाप खुलेआम बेच रहे अंग्रेजी दवाइयां, जोधपुर में झोला छाप चिकित्सक चढ़ा पुलिस के हत्थे, चिकित्सक के पास मिली फर्जी डिग्री, BUMS डिग्री धारक कर रहे हैं मरीजों का इलाज, चिकित्सा विभाग सो रहा चैन की नींद। प्रदेश में जोधपुर पाली सहित कई जिलों में झोला छाप चिकित्सकों द्वारा आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर शहर में झोला छाप चिकित्सकों द्वारा लोगों की जिंदगी में अंधेरा भरा जा रहा है। जी हाँ, शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्रों में शुमार मेड़ती गेट के बाहर झोला छाप द्वारा डॉक्टर आजम नाम से अवैध क्लिनिक चलाई जा रही है, जहाँ एक फर्जी चिकित्सक यूनानी डिग्री के नाम से अंग्रेजी दवाइयां बेचने का खुला खेल खेल रहा है और मोटी रकम की वसूली भी की जा रही है। फर्जी क्लिनिक की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप द्वारा संचालित क्लिनिक पर छापेमारी की, जहां चिकित्सक के पास से विभागीय टीम ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां जब्त की। साथ ही जब चिकित्सक की डिग्रियों की जाँच की गयी, तब उक्त डॉक्टर BUMS की डिग्री से पास होकर अंग्रेजी दवाइयों से इलाज करता पाया गया। वही बच्चों के काम आने वाले नेब्यूलाइजर और इंजेक्शन पट्टियां भी बरामद की गई। चिकित्सक द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का ये कारनामा पिछले 10 सालों से किया जा रहा था, जिस पर विभाग की टीम ने कार्रवाई कर क्लिनिक पर शिकंजा कसा। कार्रवाई के बाद फर्जी चिकित्सक ने माहौल बिगाड़ने के इरादे से मोहल्ले वासियों को भड़काने की कोशिश की और चिकित्सा विभाग की टीम का विरोध करने के लिए असामाजिक तत्वों को मौके पर बुला लिया, पर मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने डॉक्टर को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और उसे हिरासत में ले लिया गया। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से प्रहलाद धाभाई की रिपोर्ट। विवाहित महिलाओं की मॉडलिंग प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से होटल ग्रैंड उनियारा में मिसेज इंडिया राजस्थान 2018 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन याया सोसाइटी की ओर से किया जाएगा। इस दौरान महिलाएं रैंप पर कैटवॉक कर राजस्थानी परिधानों के साथ ही अपने टैलेंट को प्रदर्शित करेंगी। सोसाइटी की फाउंडर मधुलिका सिंह ने बताया कि विवाहित महिलाओं को मॉडलिंग का मंच उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए उन्होंने पूर्व में भी जयपुर, अजमेर सहित चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली में ऑडिशंस लिए थे, जिनमें 30 प्रतिभागियों का फाइनल के लिए चयन किया गया था। स्टेज प्रदान करते हैं ताकि वो अपना रैंप वॉक करके एक करियर में नई उन्हें सेलिब्रिटी में कन्वर्ट करते हैं। इनफैक्ट तो इसमें इस साल 30 लेडीज जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये ऑल ओवर राजस्थान से हैं। कुछ लेडीज जो राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो गई, चेन्नई और लखनऊ, वो दिल्ली, वहाँ से भी वो लोग आ रही हैं। ये जो शो है ये 3 दिन का होगा, 24 से 26 को, 24 और 25 तारीख को हमारे इसमें अलग अलग राउंड्स होंगे, जिसमें फ़ोटोशूट्स और पर्सनल राउंड, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब टैलेंट राउंड। और जो 26 फरवरी को शाम को 6 बजे ग्रैंड उनियारा में हम शो ऑर्गेनाइज करेंगे। पाली के बाली स्थित गंगोर मैदान में आदिवासी गोड़वार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने शिरकत की। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा रैली भी निकाली गई और मूलभूत समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रखा। रैली के बाद चामुंडेरी सरपंच जसवंत राज मेवाड़ा द्वारा तहसीलदार विवेक व्यास को ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी नेताओं के साथ महिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मंदन चतुर्वेदी ने आंगनवाड़ी केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा और बच्चों से जुड़े विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। और अपने इस टाटा के जयपुर में चेटीचंड संधि मेला समिति की ओर से 19 मार्च को जयपुर में चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 2 मार्च को होली मिलन समारोह और 4 मार्च को पालनी मीना में झूलण की महिमा के साथ 10 मार्च को अग्रवाल फार्म में सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा।
साथ ही 11 मार्च को दशहरा मैदान में गुजरात के मशहूर कलाकार परमानंद प्यासी संगीत और हास्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 17 मार्च को कलश यात्रा और महाआरती के बाद 18 मार्च को शहर के 22 गोदामों से एक शाम झूलण के नाम वाहन रैली भी निकाली जाएगी जो मालवीय नगर पहुंचेगी। 19 मार्च को जो चेटी चंड है उसके लिए हमने बहुत सारी तैयारियां की हैं और जो उसका प्रमुख कार्यक्रम होता है वो 19 मार्च को शोभा यात्रा होती है। शोभा यात्रा अपना गणगौरी बाजार से रवाना होकर के और छोटी चौपड़, चांदपोल बाजार, खजाने वालों का रास्ता, इंदिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू बाजार, जौहरी बाजार और उसके बाद हवामहल बाजार होती हुई कंवर नगर में विसर्जित होगी, जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और जो हम इसमें अपनी सिंधु संस्कृति को दिखाते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को संदेश देंगे कि हमारी सिंधु संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृतियों में से एक है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।